आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जेसन से रिलेटेड सब कुछ बताऊंगा। जेसन को हम लोग इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक सीखेंगे। मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स का मिसकंसेप्शन ये होता है कि यार उनको तो जेसन आती है, उनको तो जेसन के बारे में सीखने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन उसके बाद जब उनकी जेसन में एरर्स आते हैं और उन लोगों को चीजें आगे परेशान करती हैं जो कि रॉन्ग जेसन की वजह से आती हैं, या फिर जेसन से रिलेटेड कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो कि उन्होंने नहीं सीखे होते हैं उसकी वजह से आती हैं, तब वो परेशान हो जाते हैं। ये शॉर्ट वीडियो आप लोगों को जेसन के बारे में सब कुछ बताएगा और मैं आप लोगों को इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ना कुछ नया जरूर सीखोगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और जेसन के बारे में सब कुछ सीखते हैं। सो गाइस, मैं यहां पर अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर आ चुका हूं और आप लोग देख सकते हो कि हम लोग यूज करेंगे VS कोड, जो कि एक बहुत ही लाजवाब, धमाकेदार और बेमिसाल सोर्स कोड एडिटर है। इससे हम लोग सीखेंगे जेसन को। अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो उसको जरूर करें डाउनलोड, ठीक है। और यहां पर आप लोग को विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, जिसके लिए आप चाहो ये VS कोड मिल जाएगा। हम लोग जल्दी से जेसन के अंदर जाएंगे और ये फोल्डर जो है उसको खोलेंगे। आप लोग यहां पर देख सकते हो कि हमने एक फोल्डर खोला हुआ है जिसमें हम लोग सारे काम करेंगे। मैं यहाँ पर इसको कैंसिल करूंगा अपने डाउनलोड को, मैं नहीं चाहता ये डाउनलोड हो क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रखा है। इसको बिल्कुल वैसे ही इंस्टॉल करो जैसे आप शायद किसी गेम को करते हैं इंस्टॉल, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से इसको मतलब इस फोल्डर को VS कोड में खोल लेंगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास ये जो पर्टिकुलर फोल्डर है वो VS कोड में खुल गया। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कौन सा थीम यूज़ कर रहे हो, ये ऐसा नीला नीला क्यों हो रहा है समंदर जैसा, तो मैं जेलीफिश थीम यूज़ कर रहा हूँ। बड़ा धमाकेदार, मतलब मज़ा आ जाएगा इंस्टॉल कर लोगे थीम, तो जेलीफिश थीम है, ठीक है। कहाँ गया जेलीफिश, पता नहीं कहाँ गया, ये है देखो जेलीफिश, ये आप लोग कर लेना इंस्टॉल, ठीक है। हम जल्दी से जेसन में आते हैं जो कि मुद्दा है इस वीडियो का। तो सबसे पहले हम लोग जेसन क्यों यूज़ करना चाहेंगे, यार देखो पहले क्या होता था, सोप सर्विसेज के ज़माने में जब हम सोप सर्विसेज को इस्तेमाल करते थे तब होता क्या था कि हम लोग XML APIs का इस्तेमाल करते थे जो कि XML रिटर्न करती थी। वो APIs जो होती थी वो सोप टेक्नोलॉजी पर आधारित होती थी, ठीक है। अब जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न जावास्क्रिप्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी हमारे पास फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जैसे कि React, Angular, Vue.js। अब हम लोग बिल्कुल भी HTML, CSS, JavaScript अपने बड़े प्रोजेक्ट के लिए नहीं लिखते हैं, फ्रॉम स्क्रैच नहीं लिखते हैं। हाँ, लर्निंग के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है, मैं आपको बता दूँ ये बात, बट हम लोग फ्रॉम स्क्रैच उस चीज़ को नहीं लिखते हैं। तो इसीलिए हमको एक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे कि जो कि ह्यूमन रीडेबल हो। सबसे पहले तो डेटा ट्रांसफ़र अगर हम कर रहे हैं किसी भी फॉर्मेट में, वो ह्यूमन रीडेबल हो और उसी के साथ साथ वो इंटीग्रेट करे JavaScript के साथ, क्योंकि JavaScript एक ऐसी चीज़ है जो कि आप लोग यूज़ करोगे ही करोगे फ्रंट एंड में, चाहे आप React, Angular, Vue लिख रहे हो या कुछ भी लिख रहे हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यार XML जो होता था उसमें ओपनिंग टैग्स होते थे, क्लोजिंग टैग्स होते थे, काफ़ी दिक्कतें होती थी हम लोग को जब हम ओपनिंग क्लोजिंग टैग्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसी के साथ साथ क्या होता था कि जब हम लोग XML को बहुत ही बड़ी बड़ी XML को पार्स करने की कोशिश करते थे तो सबसे पहले तो ह्यूमन रीडेबिलिटी कम है थोड़ी सी XML की। जेसन क्या है, आप लोग JavaScript तो रीड करते हो, JavaScript में ऑब्जेक्ट्स तो लिखते ही हो, बिल्कुल उसी की तरह होता है। तो सबसे पहले अगर मैं जेसन की फुल फॉर्म की बात करूं तो जेसन की फुल फॉर्म होती है JavaScript ऑब्जेक्ट नोटेशन और ये बहुत ही सीमलेसली इंटीग्रेट करती है JavaScript के साथ, ठीक है। अब यहां पर फ्रंट एंड प्लस जेसन आप लोग जो है बड़े आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। अगर फ्रंट एंड प्लस XML आपको मिल रही है तो हो जाएगी दिक्कत, आपको XML को करना पड़ेगा पार्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में थोड़ी और दिक्कत हो जाएगी। जेसन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है रीडेबिलिटी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तब भी, और अगर मैं यूजेबिलिटी के हिसाब से करूं तो भी जेसन जो है वो एकदम परफेक्ट है। तो चलो यार यहाँ पर तारीफ़ें काफ़ी कर दी जेसन की हमने, हम यहाँ पर फर्स्ट डॉट जेसन के नाम से एक जेसन बनाएंगे। और यहाँ पर देखो आप लोग ये कर्ली ब्रेसेस बता रहे हैं कि यार ये जेसन फाइल है, ठीक है। ये बहुत ही लाइट वेट होती है, एक और तारीफ मैं इसकी कर दूँ, बहुत लाइट वेट होती है। लाइट वेट का मतलब कि यार अगर आप लोग XML यूज़ कर रहे हो तो ओपनिंग टैग्स होंगे, क्लोजिंग टैग्स होंगे, एरे होंगे XML के अंदर, तो आपको रिपीटेड टैग्स मिलेंगे, रीडेबिलिटी कम हो जाती है, बड़ी बड़ी फाइल्स को देखने में दिक्कत होती है। ये बहुत ही लाइट वेट है, ईजी टू रीड देन XML है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने देख ली। अब बहुत ही जल्दी कवर करूंगा जेसन को। जेसन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये भी मैं आप लोग को बता दूं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, बस ये आनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो देखो सबसे पहले तो आप लोगों को जेसन के अंदर एक कर्ली ब्रेस चाहिए कुछ इस तरह से। तो ये मेरी जेसन स्टार्ट हो गई। जेसन के अंदर की वैल्यू पेयर्स होती हैं, जैसे कि अगर आप लोग पाइथन में डिक्शनरी इसको यूज़ कर रहे हैं तो की वैल्यू पेयर्स आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। जावास्क्रिप्ट की बात क्यों ना करें हम लोग, जावास्क्रिप्ट में की वैल्यू पेयर्स आपको देखने को मिलते हैं। की वैल्यू पेयर्स कहाँ देखने को मिलते हैं, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स में। तो यार जेसन जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट ही है, बस कुछ ऐसा समझ लो कि जो जेसन है उसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि आप सिंगल कोट यूज़ नहीं कर सकते। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर नेम लिखा और उसके बाद मैंने यहाँ पर हैरी लिख दिया, तो यहाँ पर जो मेरी की थी वो तो एक स्ट्रिंग थी और जो वैल्यू थी वो भी एक स्ट्रिंग थी, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर स्कोर लिखूँ
और मैं मान लो स्कोर लिख दूँ कुछ 11.75, तो ये स्कोर हो गया, ठीक है, ये एक नंबर है। तो हम स्ट्रिंग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, हम नंबर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, हम बूलियंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लो मैंने यहाँ पर इज एडमिन लिखा, तो देखो यहाँ पर एक एरर दे रहा है मुझे, मान लो मैंने इसको सिंगल कोट में इनक्लोज कर दिया, ये मुझे दोबारा से एरर दे रहा है, कह रहा है प्रॉपर्टी कीज मस्ट बी डबल कोटेड जेसन, आपको डबल कोट ही इस्तेमाल करना है, सिंगल कोट इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, सिंगल कोट इस्तेमाल नहीं करना है जेसन के अंदर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कंट्रोल जेड करके इसको डबल कोट के अंदर डाल देंगे। और बहुत सारे लोग जो है इस मुसीबत में फंस जाते हैं, और ये मुसीबत क्या है कि यार वो डबल कोट का इस्तेमाल करते नहीं है जेसन में, उनका जो भी इन्वायरमेंट है वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी इन्वायरमेंट हो सकता है, वो वेब बेस्ड इन्वायरमेंट हो सकता है, वो कोई ऐसी एप्लीकेशन हो सकती है जो कि वो बना रहे हैं उसमें जेसन का इस्तेमाल हो रहा है, और उनको जो एरर होता है वो प्रॉपरली रिटर्न नहीं किया जाता है, उनको नहीं बताया जाता है कि यार ये गलती है, आपको सिंगल कोट की जगह डबल कोट करना है, कुछ और ही एरर आ जाता है उनके कोड में, वो परेशान हो जाते हैं कि यार जेसन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो दिक्कत है तो है कहाँ, लेकिन एक्चुअल में दिक्कत कहाँ होती है उनकी, कि वो सिंगल कोट की जगह डबल कोट को इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे सारे के सारे टाइप्स, सबसे पहले हमने यहाँ पर देख लिया कि हमारे पास स्ट्रिंग्स होती हैं, स्ट्रिंग्स के बाद हमने देखा नंबर्स होते हैं, नंबर्स के बाद बूलियंस होते हैं, बिल्कुल ही जावास्क्रिप्ट की तरह, बिल्कुल ही जावास्क्रिप्ट की तरह, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। अब जेसन को सही से समझने के लिए हमने ये फर्स्ट डॉट जेसन फाइल बना ली। मैं चाहूंगा कि आप लोग कहीं पर भी जाओ अपने ब्राउजर में, इंस्पेक्ट पर क्लिक करो, कंसोल पर क्लिक करो, ताकि आप लोग जावास्क्रिप्ट को रन कर सको। अब आप क्या करो कि एक स्ट्रिंग बनाओ और उसका नाम रख दो माई जेसन, ठीक है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती आप फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको बनाना बैकटिक्स के अंदर, ठीक है, बैकटिक्स होते हैं आपके एस्केप के नीचे टैब के ऊपर, ठीक है। तो बैकटिक्स के अंदर आपको क्या करना है, जेसन डाल देनी है कॉपी करके, कॉपी करूंगा मैं इस जेसन को और पेस्ट कर दूंगा यहां पर, ठीक है, सेमी कोलन लगाऊंगा, और अब यहां पर माई जेसन के अंदर ये चीज आ गई है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा जेसन, कैपिटल जेसन डॉट पार्स, और इसके अंदर ये स्ट्रिंग दे दूंगा माई जेसन, ठीक है। और जैसे ही मैं ये चीज़ करूँगा, ये एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम लोग बड़े आराम से जेसन को पार्स कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, इसीलिए ये एक बहुत ही पॉपुलर टेक्नोलॉजी है और लोग जो है बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं इसको XML के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक नंबर दे दिया, ये नंबर बन गया जावास्क्रिप्ट में, ये यहाँ पर हमारा जावास्क्रिप्ट का बूलियन बन गया। हम नल्स भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर नल यूज़ करके दिखाता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लाइसेंस, ठीक है, और लाइसेंस को मैं नल कर देता हूँ, ठीक है, लाइसेंस को मैंने नल कर दिया। और यही चीज़ अगर मैं यहाँ पर दोबारा से करूँ, मैं क्या करूँगा, माई जेसन के अंदर कंटेंट को पेस्ट करूँगा, ये कंटेंट कॉपी करके कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी करूँगा, ये पूरी की पूरी जेसन मैं चेंज करूँगा, और इसके बाद सेम चीज़ करूँगा, जेसन को पार्स करूँगा, और ये देखो नल भी यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो आप नल का भी इस्तेमाल कर सकते हो जेसन के अंदर, और नल ये वाला नल नहीं है, मतलब आपके घर में जो लगा होता है पानी वाला, ये NULL वाला नल है, ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि हम लोग स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर बूलियंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने यहाँ पर देखा कि हम लोग नल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हम लोग नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग एरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको दिखाऊं, अब यहां पर देखो, मान लो मेरे पास एक शॉप है और उसमें कुछ आइटम्स हैं, और मैं उन शॉप आइटम्स को जो है एक एरे के अंदर लिस्ट करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं फूड। अब कहोगे एक ऐसे आइटम्स बेच रहा है, फूड, क्लोथ्स, और उसी के साथ साथ सनफ्लावर ऑयल कर देता हूँ, मैं सनलाइट लिखने वाला था, ठीक है, तो मजाक हो जाता, सनफ्लावर ऑयल लिख दिया, ठीक है। कंट्रोल एस करेंगे, सेम काम करेंगे, एकदम पार्स करेंगे इसको। देखो यार मैं इसको बेटर वे में भी पार्स कर सकता था, बट मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता बिगिनर्स को, आप लोग यही करो जो मैं करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि यार देखो जब आप बिगिनर होते हो तो नोट जेएस इंस्टॉल करना, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार नोट जेएस इंस्टॉल कर लो, बट बिगिनर्स को यार हो जाती है प्रॉब्लम इस चीज़ में, मुझे पता है वो लोग सीख रहे हैं अभी और वो लोग टाइम लेंगे अपना और सीखेंगे डेफिनेटली। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि इज एडमिन फॉल्स आ गया, और यहाँ पर देखो शॉप आइटम के अंदर एक एरे आ गया, क्या शॉप आइटम एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता था। मैं काम करता हूँ, एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ कि किस तरह से एक ऑब्जेक्ट भी डाला जा सकता है, यानी कि एक जेसन के अंदर और जेसन नेस्टेड डाली जा सकती है। तो मैं क्या करूँगा, नेम कर दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा नेस्टेड, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा मार्क्स, मैं बहुत ही रैंडम चीज़ लिख रहा हूँ, और ये चीज़ मैं जैसे ही करूँगा और इस जेसन को पार्स करूँगा, तो आप लोग देखो कि जल्दी से मैं इसको पार्स कर देता हूँ, मैं इसको पेस्ट करूँगा और यहाँ पर देखो पार्स करूँगा यहाँ पर, तो शॉप आइटम के साथ साथ मेरा माई ओबीजे भी आ गया, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसको अगर आप लोग यहाँ पर एक बार आपने इसको पार्स कर लिया जेसन को, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, मैं यहाँ पर
पार्स्ड करके एक वेरिएबल बनाऊंगा, मैं लिखूंगा उसके अंदर जेसन डॉट पार्स, यानी कि ये पार्स्ड हो चुका है। तो जेसन डॉट पार्स मैंने यहाँ पर माई जेसन लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, ये जैसे आपने किया आप यहाँ पर कुछ इस तरह से इसकी कीज को एक्सेस कर सकते हो। आप यहाँ पर कुछ ऐसे लिख सकते हो पास्ट इज एडमिन, और आपको यहाँ पर फॉल्स मिल जाएगा क्योंकि जो इज एडमिन था डायरेक्टली जेसन के अंदर जो इज एडमिन था वो फॉल्स था। अब मान लो मुझे प्रिंट कराना है ये सनफ्लावर ऑयल, तो ये सनफ्लावर ऑयल कहाँ पर है, मुझे सबसे पहले तो इस जेसन के शॉप आइटम में जाना है, और उसके बाद शॉप आइटम में कह रहे हैं इसलिए मैं उसमें इंडेक्सिंग का इस्तेमाल कर सकता हूँ 012। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कुछ इस तरह का लिखूँगा, मैं लिखूँगा पास्ट और उसके बाद शॉप आइटम्स लिखूँगा। ठीक है, शॉप आइटम, और शॉप आइटम लिखने के बाद मैं क्या करूँगा कि कुछ इस तरह से मैं लिख दूँगा टू। ठीक है, और जैसे मैं ये लिखूँगा सनफ्लावर ऑयल प्रिंट हो जाएगा। क्यों टू, क्योंकि इंडेक्स हमारी जीरो से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर देखो 012, तो इस तरह से जो है मैं बड़े आराम से इस चीज़ को प्रिंट कर सकता हूँ। और बहुत ही सिंपल सी चीज़ है यार, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है, बट यहाँ पर जो है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कोई टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, जब आप कोई ऐसी चीज़ पढ़ रहे हो जिसमें और चीज़ों पर ज़्यादा फोकस है, उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो रही है जेसन में, वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जेसन ऑलरेडी सीख कर आओ। ठीक है, अभी देखो मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉमा लगा दिया, ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा ये एक्स्ट्रा कॉमा, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा कॉमा है इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसलिए एक्स्ट्रा कॉमा बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में टॉलरेट भी कर लिया जाता है ये एक्स्ट्रा कॉमा, जब लास्ट आइटम के बाद एक कॉमा लगा दिया जाता है। कुछ लैंग्वेजेस होती हैं वो कंप्लेन नहीं करती हैं इस चीज़ का, लेकिन जेसन के अंदर क्या होता है, आप अगर ऐसा करोगे तो वो एक इनवैलिड जेसन आपकी घोषित कर दी जाएगी, और आप नहीं चाहते कि आपकी जेसन को इनवैलिड घोषित किया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर जो है देखना है। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि शॉप आइटम को भी डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ इसको शॉप आइटम टू कर देता हूँ। अब मान लो कि शॉप आइटम टू का जो इंडेक्स टू पर आइटम है वो एक ऑब्जेक्ट है, और एक बहुत ही सिंपल सा ऑब्जेक्ट है जिसमें लिखा हुआ है, देखो सिंगल कोड मैं यूज़ नहीं कर सकता, मैंने अभी सिंगल कोड यूज़ किया मुझे एरर मिला, और मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ ए, और मैं ट्रू लिखना चाहता हूँ, एक बूलियन बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो जब मैं इसको बूलियन बनाऊँगा, ठीक है, तब आप लोग देखो जैसे ही मैं इसको बूलियन बनाने की कोशिश करूँगा तो ये डेफिनेटली पार्स हो जाएगी, एक वैलिड जेसन है तो पार्स हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी मेरे पास। तो मैं जल्दी से यहाँ पर क्या करता हूँ, जो माई जेसन है उसको मैं अपडेट करता हूँ, और इस स्ट्रिंग को मैं अपडेट करूँगा, और यहाँ पर देखो मैंने अपडेट कर दिया पेस्ट करके, कंट्रोल बी से पेस्ट किया मैंने। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं प्रिंट करूँ, लेट अस से मैं शॉप आइटम टू का ए का ट्रू प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले इसके माय ओबीजे में जाऊँगा, इसके माय ओबीजे में जाऊँगा, और माय ओबीजे में जाने के बाद मैं क्या करूँगा, माय ओबीजे के बाद शॉप आइटम टू में जाऊँगा। ठीक है, अब मैंने माई ओ बी जी का शॉप आइटम टू मान लो इतना ही प्रिंट कर दिया अगर मान लो, अब देखो माई ओ बी जी के अंदर शॉप आइटम टू नहीं है, मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या, माई ओ बी जी के अंदर डेफिनेटली शॉप आइटम टू है। ठीक है, तो पास्ट, ओके, तो मैंने पास्ट इज इक्वल टू माई जेसन नहीं लिखा जो कि मुझे करना चाहिए था, तो मैं ये करूँगा, अब मैं जो लिख रहा था मैं वो करूँगा। ठीक है, तो मैं पास्ट शॉप आइटम टू अगर प्रिंट कर दूँ तो यहाँ पर देखो शॉप आइटम टू मेरा अनडिफाइंड आ रहा है, इसका क्या रीज़न हो सकता है मैं देखता हूँ। तो मेरी जो जेसन थी उसके अंदर एक शॉप आइटम था, फिर माय ओबीजे के अंदर शॉप आइटम टू था जिसकी वजह से अनडिफाइंड आ रहा है, तो मुझे सबसे पहले माय ओबीजे के अंदर घुसना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पर माय ओबीजे लिखना पड़ेगा। देख रहे हो आप लोग कि किस तरह से गलतियाँ हो जाती हैं। अब मैं माय ओबीजे के अंदर शॉप आइटम टू इसके अंदर घुसूंगा, तब मुझे शॉप आइटम टू वाला जो एरिया है वो दिखाई देगा, तब मुझे फूड क्लोज और ए ट्रू दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को जो है एकदम ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो मैं एंटर मारूंगा, और जैसे ही आप लोग जो है इसको प्रिंट करोगे, यहाँ पर देखो जीरो पर फूड आ गया, फिर क्लोज आ गया, और फिर उसके बाद आप लोग देखो यहाँ पर ए ट्रू भी आ गया। अब मैं घुसना चाहता हूँ इसके ए के अंदर, किसके अंदर घुसना चाहता हूँ, मैं ए के अंदर घुसना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि पास्ट माय ओबीजे शॉप आइटम टू और इसके बाद ए, अब बताओ क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा यहाँ पर, मैं इसके ए के अंदर घुसना चाहता था, अनडिफाइंड प्रिंट हो गया, ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पर हुआ क्या, मैं इसके ए के अंदर ऐसे नहीं घुस सकता, सबसे पहले मुझे ये एक एरे है, देखो यार ये एक एरे है, पास्ट माय ओबीजे शॉप आइटम टू जो है वो एक एरे है, तो मैं इंडेक्सिंग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ, 012 लिख सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर टू लिखूंगा, फिर ए के अंदर घुसूंगा, सबसे पहले तो टू लिखना पड़ेगा ना मुझे, पहले मैं इस ऑब्जेक्ट तक पहुंचूंगा, ये वाले ऑब्जेक्ट तक, तब ना इसको मैं पार्स करूंगा। जब ऑब्जेक्ट तक ही नहीं पहुंचेगा आप तो पार्स कहां से करेंगे। ठीक है, तो शॉप आइटम टू आपने लिखा है यहाँ पर, फूड क्लोथ्स, और आपको क्या करना है, शॉप आइटम टू का आपको यहाँ पर
ए ट्रू कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आप लोग को ये समझना था कि जेसन में आप लोग स्ट्रिंग्स को इस्तेमाल कर सकते हो, आप लोग नंबर्स को इस्तेमाल कर सकते हो, आप लोग बुलियंस को इस्तेमाल कर सकते हो, आप लोग नल को इस्तेमाल कर सकते हो, आप लोग एरे को इस्तेमाल कर सकते हो, आप लोग ऑब्जेक्ट को नेस्ट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट घुसेड़ सकते हो, और उसी के साथ साथ ये काम आप कितनी भी लेवल्स तक कर सकते हो, नीचे की तरफ आ सकते हो, ऑब्जेक्ट के अंदर आप लोग एरे डाल सकते हो, एरे के अंदर आप लोग बुलियंस डाल सकते हो, एरे के अंदर आप लोग ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हो, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स के अंदर एरे के अंदर दोबारा ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हो। तो आपकी जेसन जो है नेस्टेड हो सकती है कितने भी लेवल्स पर, बट हमेशा याद रखना कि जब भी आप लोग अपनी जेसन बना रहे हो तो वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हो, इजी टू रीड हो, जो भी बंदा काम कर रहा है आपकी जेसन का इस्तेमाल करके उसको रीडेबल लगे। ये नहीं कि अननेसेसरीली आप लोग जो है उसको 5-6 लेवल्स तक नीचे घुसा कर लेके जा रहे हो ताकि यार पढ़ने वाले को भी दिक्कत हो। नहीं, ऐसा नहीं करना, आपको परेशान नहीं करना किसी को भी, ठीक है। कभी भी कोई पढ़ रहा है, अगर मान लो आप API डेवलपर हो, आपको जेसन रिटर्न करनी है, तो आप जेसन रिटर्न ऐसी करो कि यार कोई बंदा अगर फ्रंट एंड से उस जेसन को रीड भी कर रहा है तो उसको मज़ा आना चाहिए काम करने में, वो आपको जो है याद रखे दुआओं में कि यार बंदे ने इतनी अच्छी जेसन लिख दी, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये चीज़ आप लोग को बहुत ध्यान में रखनी है। तो ऑब्जेक्ट सिंपल की वैल्यू पेयर्स होते हैं, हमने यहाँ पर स्ट्रिंग्स, नंबर्स, एरेज, बूलियंस, नल्स सब देख लिया। तो यही है कुल मिला के जेसन। अब अगर आपको अब भी ऐसा लगता है कि यार जेसन थोड़ी सी खतरनाक है, तो मैं आप लोग को एक बात और बोलना चाहूँगा यहाँ पर, जब तक आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में अपनी जेसन्स नहीं बनाओगे तब तक आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। तो क्लैरिटी के लिए एक और चीज़ जो है आप लोग को आनी चाहिए, वो है आपको इसको प्रोडक्शन में यूज़ करना आना चाहिए, और यूज़ करना आपको तभी आएगा जब आप कोई प्रोजेक्ट उठाओगे। तो प्रोजेक्ट को आप लोग को उठाने के लिए मेरे चैनल पर जाना है, और यहाँ पर आप लोग देखो कि मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट बना रखे हैं और प्रोजेक्ट्स यूजिंग HTML, CSS, JavaScript, ये सब चीज़ें बना रखी हैं। JavaScript ट्यूटोरियल्स के अंदर हमने जेसन को बहुत यूज़ किया है, मेरा जो कोर वेब डेवलपमेंट का कोर्स है उसके अंदर हमने जेसन को बहुत यूज़ किया है। तो लेवरेज करो यार चीज़ों को, बस यही बोलूँगा, लेवरेज करो आप लोग, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं मैंने बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई हैं, मैंने आप लोग को पूरी पूरी वेबसाइट बनवा रखी है रिस्पॉन्सिव, तो आप लोग को जो है यहाँ पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो गाइस, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया कि जेसन क्या होती है और जेसन को हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि मैंने आप लोगों के अंदर बहुत सारे जो मिसकॉन्सेप्शंस थे उनको दूर कर दिया। अब आप लोग अपनी जेसन्स को लिखोगे तो कभी भी आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप फंडामेंटली इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझते हो कि जेसन क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, किस तरह से आप लोग को अपनी जेसन्स को स्ट्रक्चर करना है और किस तरह से अपनी REST APIs को डिज़ाइन करना है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। Thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time.